अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुख्तार गनी। आज का जो वीडियो है वो व्लॉग भी नहीं है, लेकिन जो मेरे व्लॉग्स के इक्विपमेंट्स हैं, व्लॉगिंग के इक्विपमेंट्स हैं, मैं उनके बारे में आपके सामने डिस्कस कराऊंगा। और उनमें से मैंने एक चूज़ किया है, उसको अनबॉक्सिंग करूँगा आपके सामने, उसके बारे में बताऊँगा उसमें मतलब क्या खासियत हैं, क्या खामियाँ हैं। जो मैं माइक यूज़ करता हूँ व्लॉगिंग के लिए वो है रोड वीडियो माइक, कॉम्पैक्ट ऑन कैमरा माइक्रोफोन। ये जो माइक है मैं यूज़ करता हूँ अपने व्लॉगिंग के लिए, और अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा आप लोगों के सामने और आप लोगों को दिखाऊँगा भी ज़रूर कि इसमें क्या खासियत हैं, क्या खामियां हैं, और इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अभी आप लोगों को बता देते हैं। इसके अंदर हमें मिलेगा कॉम्पैक्ट ऑन कैमरा माइक्रोफोन, इसमें एक माइक मिलेगा जो ये आप यहाँ आप लोग देख सकते हैं पीछे, सिर्फ माइक, यही माइक हमें मिलेगा इसके अंदर। और 2 ईयर्स वारंटी, जिसके 2 साल वारंटी होगा, नो बैटरी रिक्वायर्ड, और इसमें बैटरी नहीं होगी, विदाउट बैटरी माइक है। कॉम्पैक्ट साइज एक सही साइज है, इतना बड़ा भी नहीं है। इसके अंदर हमें मतलब विंडशील्ड मिलेगा, यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं पीछे, ये व्हाइट कलर का आप लोग को नज़र आ रहा है। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। अभी हमारे सामने है रोड वीडियो माइक्रो, ये एक माइक है डीएसएलआर के लिए। मोस्टली जो व्लॉगर्स होते हैं वो यही माइक इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 कंपनी आते हैं, बोया का भी आता है, रोड का, लेकिन रोड का जो है वो बेहतरीन क्वालिटी है, सही क्वालिटी है, जो आवाज़ की क्वालिटी है वो बेहतर है। अभी हम करेंगे इस डब्बे का अनबॉक्सिंग और इसके अंदर क्या एक्सेसरीज हैं आप लोगों को भी दिखा देंगे। चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। डब्बे में सिर्फ एक बॉक्स है, इसको भी खोलेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हमको मिलेगा एक शू माउंट जो कैमरे के ऊपर लगेगा, डीएसएलआर के ऊपर लगेगा, और जो इसके अंदर माइक रखेंगे, ये माइक होल्डर आपको इसको कह सकते हैं। और इसके साथ हमें मिलेगा मैनुअल बुक, मैनुअल शीट आप कह सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी कैमरे के बारे में और इस माइक के बारे में। इसके साथ हमें और मिलेगा कनेक्टिंग वायर, ये जो वायर है कनेक्टिंग वायर, ये एक माइक को लगता है और दूसरा कैमरे को, जैसे माइक कैमरे के साथ कनेक्ट होता है तो मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है। और जो लास्ट जो मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है माइक, ये है माइक, ये है असल चीज़, तो ये है माइक, इसके साथ हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है हमें मिला है, उसको कहते हैं विंडशील्ड। इसका काम है मतलब हवा को रोकना, अगर आप साहिली इलाके में हैं, अगर सी साइड जाएंगे या जहां आप मतलब व्लॉगिंग कर रहे हैं वहां पर मतलब हवा ज़्यादा है, तो ये माइक हवा को रोक देगी, मतलब जो आपकी आवाज़ है उसको सही कर देगी। और ये हुए हमारे अनबॉक्सिंग, अभी हम इसका करेंगे टेस्ट कि मतलब इसकी आवाज़, इसकी क्वालिटी कैसा है, आप खुद देख लीजिए, आप सुन लीजिए आपको कैसा लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट भी कर। गाइस अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट माइक, ये कैमरे का बेटर माइक है जो अभी यूज़ कर रहे हैं। अभी फैन भी हो रहे हैं, अभी आप आवाज़ को देख सकते हैं कि मेरा साउंड, मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं, मतलब साफ है या नहीं। अभी अपना दोबारा अपना माइक लगाएंगे रोड माइक, देखते हैं कि जो कैमरे का ब्रिटन माइक है या रोड माइक है इसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी, आप मुझे कमेंट भी कर दें। अभी लगाएंगे रोड माइक, देखते हैं कि आवाज़ कैसा होगा। तो गाइस अब सुने
मेरी आवाज़ मतलब आवाज़ अब कैसे आ रही है, सही आ रही है, ख़राब आ रही है। अभी फ़ैन भी ऑन है, लेकिन अभी जो माइक है वो रोड माइक है, कैमरे का माइक नहीं है। अभी हमने रोड माइक लगाया है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या मुख्तलिफ चीज़ें इसमें, आवाज़ साफ़ है या नहीं, आपको ये माइक कैसा लगा और इसका अनबॉक्सिंग कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर आपको पसंद आ गया तो। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। खाना खाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर साबुन से धोएं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको ज़रूरी काम हो, तो आप लोगों को मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि मतलब जो कोरोना वायरस है हमारे घरों में वो खुद नहीं आता, हम उसे लाते हैं। कैसे आप जाएंगे, अगर आप इफेक्टेड हुए तो आप घर में आएंगे तो सब लोगों को इफेक्ट करेगा। इसी वजह से आप परहेज ज़रूर करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। जब आप परहेज करेंगे वो इलाज से 100 गुना बेहतर होगा, क्योंकि आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, आपको तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को परहेज करनी चाहिए। और जितना आप घर में रह सकें आप रहें, क्योंकि इससे आप भी बच सकते हैं, दूसरे भी बच सकते हैं, आपके दोस्त भी बच सकते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर जो मैंने बताए हैं, अगर आप उन पर अमल करेंगे आप भी बच सकेंगे, आपकी फैमिली भी बच जाएगी, और आपके दोस्त, आपके अजीज वारिस सब बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इन बातों पर अमल करेंगे। शुक्रिया।